नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आज हम पहुंचे हैं ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहिर की ग्राम पंचायत इटौरा में। और आपको बता दें कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री हर घर योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार की अनेक योजनाएं हर गरीब व्यक्ति के लिए चला रहे हैं, परंतु सरकारी मशीनरी एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इस महिला को आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस महिला का दावा है कि पिछले 3 वर्ष से ये इसी प्रकार इनका मकान जो बरसात में गिर गया था आज तक उसी हालत में पड़ा हुआ है। मकान गिर जाने के कारण महिला किराए के मकान पर रहने के लिए मजबूर है। महिला का दावा है कि उनके पति को बीमारी है, जिसके चलते वह पति के इलाज में सारा पैसा खर्च कर देती हैं और घरों में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती हैं, परंतु उस सरकार की कोई भी योजना का लाभ इस महिला को नहीं मिल रहा है। और महिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर टकटकी लगाए देख रही है। एक तरफ यहाँ भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हर व्यक्ति के लिए योजना का लाभ दे रहे हैं, तो वहीं सरकारी मशीनरी के चलते इस महिला को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। और देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं नगला माकरोल से। तो कहीं ना कहीं सरकारी जनप्रतिनिधि एवं सरकारी मशीनरी के चलते इस महिला की पुकार अभी तक सरकार के कानों तक नहीं पहुंची है। तो जानते हैं महिला का क्या है दर्द और किस प्रकार की परेशानी। मेरा नाम राजन देवी, मेरे पति का नाम भगवान सिंह, नगरा माकरोल गांव। अच्छा, क्या मामला है ये मकान वाला? जी कागज तो पिछली बरसात में 3 साल पहले मकान गिर गया। फिर क्या रहा? फिर कागज तो वहां में रहे हम टूटे फूटे में, फिर कहा कि ज्यादा भींजा भांजी गई तो बच्चा परेशान रहे, तो फिर हम चादर डाली तो वो चादर उगिर पड़ी, तो फिर हम कहा कि किराए पे रह रहे हैं। तो इस मकान को बना क्यों नहीं पा रहे हो? तो कहा कि पति मारा बीमार है, छोटे छोटे बच्चा है, कैसे बनाऊं? और कहा कि वो घर घर जाके काम करती हूँ, चौका बासन को कोठियों में काम करती हूँ, जब पालन पोषण कर रहे हैं। पति की तबीयत खराब रहती है? हाँ, तबीयत खराब। क्या बीमारी है पति? टीवी की बीमारी। तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का गुजारा ऐसे चंदा छोरो, थोड़े बहुत बच्चे कछु कौ के संग जाके करे आते हैं, कछु थोड़े बहुत। तो क्या मांग करते हो सरकार से? मकान हमारा बन जाए बस, और कछु ना मांगे। उसके लिए किसी से कहा आपने आज तक? सब से कहा, नया प्रधान पुराना प्रधान सबन से कहिए, ब्लॉक प्रमुख अधिकारी कहिए, सबन से कहिए। विधायक जी के पास गए कभी? विधायक के पास गए, बिन्नू मने कर दई। क्या कह दिया जाता आप? वो कागज था वो तो मने कर देता, कोई सरकारी योजना ना है कागज था। और परेशान है आप? हम 3 साल से परेशान है। 3 साल से परेशान है? तो आपको सरकार की योजना नहीं मिली? सरकार की तो कई योजना चल रही है, सब योजना चल रही है। जब हम नाम ना मिल रही तो कोई योजना ना हमारे लिए, तो प्रधानमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री वो सुनाई ही ना कर रहे, कोई कोई नहीं सुन रहा, कोई ना सुनाई कर रहा। क्या मांग करते हो योगी मोदी से, क्या कहना चाहते हो? हम जो कहना चाहते हैं कि जब मकान हमारा बन जाए बस, हम अपने घर में आ जाए, किराव कहाँ से निकाल रहे हम। मेरा नाम ज्ञान देगी। अच्छा, ये बता रही हैं कि इनका मकान गिर गया, क्या मामला है? का पहले पुराना बड़े बूढ़े ना का मकान हो, आदमी जाकर बीमार रहता है, बड़े चौमा से घाटा टूट गए, मोड़ी मोड़ा दबे होते निकल गए, 3 साल से किराए पे रह रही है। तो सरकार ने नहीं कोई योजना दी है? कोई ना है, मैं तो कोई ना देख रहा हूँ, किराए पे रह रही है वो। कितने दिन से रह रहे? 3 साल है गई, मेहनत मजदूरी करते हैं, बासर कुसर मार जाते, कोटी न पे। पति बीमार रहते हैं? हाँ बीमार है, छोटे छोटे मोड़े हैं दो है। तो कोई जनप्रतिनिधि इनके यहाँ देखने नहीं पहुँचा आज तक? मैं आए तो कोई ना आया, परोसा में सड़ ठाड़े, कोई नहीं आया, कोई ना आया। मेरा नाम मीना है। ये कौन सी जगह है? अच्छा जी, ये महिला जो खड़ी है ये बता रही है इनका मकान गिर गया, क्या मामला है? गिर गया है। कब गिर गया था ये? गिर गया 3 साल से है। 3 साल है गई? अब कहाँ रहती हैं? जी ऐसा ही रहता किराए पे। तो मतलब कैसे गिर गया मकान? पुराना मकान हो, उस पर गरीब ज्यादा है, पति बीमार रहता है और कोई है नहीं बच्चा समझदार, तो गिर गया, तो गिरे में रहे हैं, फिर भी बिन भर कोई लो व्यवस्था नहीं है, तो मान ने कही ऐसे मकान बताए किराए, तो किराए कर रहे हैं।
और कोई पैसा पैसा दे देता कंट्रोल कंट्रोल वाले कि ऐसा करते थे गरीब भाई जा रहा है कोई बासन कुसन मारे तो अपने पेट भर के कोई सुनाई से किया था कोई सुनाई नहीं हो रही कहीं कोई सुनाई नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं मेरे साथ ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत इटौरा के नगला मां करोल। आपको बता दें मेरे पीछे तस्वीरों में ये मकान दिखाई दे रहा है। ये मकान पिछले 3 वर्ष पहले आपको बता दें कि बरसात के चलते गिर गया था। 3 वर्ष से यह महिला जो आप मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरा परिवार आपको बता दें कि अपने आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास के लिए जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी इस महिला की आज तक किसी ने नहीं सुनी, जबकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री हर घर योजना के तहत सभी को मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास सहित तमाम सरकारी योजनाएं चला रहे ताकि हर गरीब तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। परंतु आपको बता दें कि सरकारी मशीनरी एवं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते इस महिला को आज तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला और ये खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। इन्होंने बताया है कि इनके पति बीमारी के चलते बीमार रहते हैं और उनके इलाज के लिए भी ये काफ़ी परेशान रहती हैं, परंतु इन्हें सरकार की कोई भी योजना अभी तक नहीं मिली है और यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाती हैं कि उन्हें एक आवास दिया जाए ताकि ये अपने मकान में रह सके। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।